हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट। शेप्स रिलेटेड वीडियोस हम लोग सीखते हैं, राइट। तो अभी हम लोग कंपोजिशन सीख रहे थे एनिमल्स के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन विद बियर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हम लोग बियर बनाने वाले हैं, राइट। सो बियर का प्रोसीजर तो आपको पता ही होगा, एक सर्कल, दो सर्कल और तीन सर्कल, राइट। तो इससे बियर बन जाएगा। और आपने देखा होगा शायद, आज जो मैंने शीट लिया है वो मैंने A4 साइज लिया, राइट। एक कॉपी के ऊपर रखा हुआ है, बट ये शीट जो है A4 है, राइट। A4 टाइप में आप हम लोग करेंगे। हर टाइप का शीट में आपको ड्राइंग आना चाहिए एलोंग विद द कलरिंग। तो कंपोजिशन के लिए मिनिमम दो, राइट, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में कहा था। तो एक का ये हो गया, राइट। पाव मैंने दे दिया है, इसको भी मोटा कर देना है। और मैं और एक दे देता हूँ बियर, इधर सेम प्रोसीजर है। इसके लिए क्या करना होगा, यस, इसका फेस पहले बनाना होगा कुछ थोड़ा सा, देन वन देन टू, थोड़ा बहुत टॉमी टाइप का होता है, राइट। लेकिन इसका आँख थोड़ा सामने होता है, देन ये, राइट। अभी इसको क्या करना है, पीछे से ऊपर लेके जाना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा पुछरी, देन ये आके ऐसे होएगा। देन मेरे को और एक पाव देना है, राइट। थोड़ा सा मोटा मोटा होता है पाव, यहाँ से और एक मेरे को एक पाव देना है, बैलेंस हो जाए। याद रखिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इसको लाना है और ऐसे करके, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा हैवी होता है, राइट, ठीक है। तो एक बन गया है, सेम वे में इसको भी बनाना है। तो दो बियर बन गया, राइट। अभी क्या करना है, यस, इट्स टाइम फॉर इरेजिंग, राइट। थोड़ा फार फार होता है, तो ये ऐसे फार दिखाने के लिए थोड़ा बस एजेस को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो, तो ऐसे फार फार बन जाएगा, राइट। तो ये देने से आपको दिख रहा है शायद, ये फार फार लग रहा है, राइट। इसके बदन में बहुत ज़्यादा फार होता है। बाकी हम लोग कलर से करेंगे, राइट। और बाकी का रहेगा हम लोग का एक कंपोजिशन। नॉर्मल कंपोजिशन देने से नहीं होगा, ये पोलर रीजन में रहता है, राइट। तो पोलर रीजन के लिए हम लोगों को ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का ट्री देना होगा। ट्री कैसा होगा देखो, थोड़ा हिली एरिया में रहता है, माउंटेन में रहता है, राइट। तो माउंटेन में तो ट्री भी आप लोगों को पता ही होगा कैसा होता है, यस, ऐसा वन फिर ऐसा, जंगल तो दे देंगे बट जितना हो सके ऐसा ट्री देना है आपको, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डन, राइट। आपको याद रहे ये कुछ नहीं है, राइट, ये आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये A4 शीट है, राइट। A4 शीट में कलर होगा, मैक्सिमम लोग को ब्लूइश रखना है, राइट, थोड़ा सा स्नोई रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द कलरिंग। सुला लिया है मैंने इसको, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा हो मेरे लिए, इजी रहे मेरे लिए कलर देने में। तो बाकी ऐसे अब देते रहो, इससे एरिया में थोड़ा सा डार्क होगा, राइट। इस ट्री में कलरिंग, यस, अंदर में डार्क, थोड़ा सा अंधेरा, राइट, और ऊपर में आप लाइट ग्रीन दे सकते हो। ऐसा करके बाकी के ट्री में भी आपको ऐसे देना है, राइट। अंदर में आपको देना है डार्क, अंदर में डार्क, इधर आपको ब्राउन देना है, राइट। इसमें थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा हरकत होगा इधर कलर का। यहाँ पे मैंने दे दिया है, यस, इट्स ब्राउन। नाउ इसको थोड़ा सा मेरे को वाइट से मैच करना होगा, राइट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लू दे दिया, राइट। इसको ऊपर मैं ग्रीन दे दूंगा, थोड़ा सा अलग दिखना ज़रूरी है, राइट। जितना हो सके आपको ब्लूश करना है, ठीक है। इसे मैं ग्रीन दे रहा हूँ, ऐसे जितना हो सके आपको ग्रीन अवॉइड करने से भी ज़्यादा अच्छा, ब्लूइश होना चाहिए, स्नो, राइट। ये तो ग्राउंड में मैंने थोड़ा सा ब्लू दिया, राइट। इसके साथ मैं वाइट मिक्स करने वाला हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्नो लगे, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट मिक्स हो रहा है, राइट।
टू मेक द इफेक्ट ऑफ स्नो राइट, इसे गोल 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 करके आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हो राइट, इसमें मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया विद द यूजिंग ऑफ वाइट राइट, इसमें मैंने थोड़ा सा येलो दे दिया राइट, इसमें भी मैं क्या करूँगा वाइट मिक्स करूँगा। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा कचरा हुआ वाइट कलर राइट, नो प्रॉब्लम, अच्छा लगेगा थोड़ा डर्टी लुक आने से भी, इट्स लुक गुड। काला पत्थर राइट, काला पत्थर में मैंने पहले ब्लैक दे दिया है, उसके बाद मैं दे रहा हूँ वाइट। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन देने से अच्छा लगेगा आई गेस, अपने देने से भी होगा। इसके ऊपर आप व्हाइट भी दे सकते हो या तो आप येलो भी दे सकते हो, थोड़ा सा येलो भी दे दिया है राइट। टू मेक द इफेक्ट ऑफ स्नो राइट, इसमें भी मैंने थोड़ा सा व्हाइट दे दिया है, देखो नाउ इट्स टाइम फॉर यस बियर राइट। सो बियर में हम लोगों ने सिल्वर दिए थे तो इसमें भी सिल्वर ही देंगे हम लोग सेम वे में। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिल्वर राइट, जहाँ जहाँ पे जरूरत होता है अब उस हिसाब से दे दो। इसके बाद आपको क्या करना है, यस यू नीड टू मिक्स विद द कॉटन राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है राइट, ये ग्राउंड का व्हाइट है, इसमें क्या कलर होगा, यस इट विल बी येलो ठीक है। नाउ इसमें कॉटन से हम लोग मैश कर देंगे। कान पे क्या कलर होगा, यस ये वाला कान के अंदर होगा पिंक और इसमें होगा ये वाला कलर ही राइट, तो दे देते हैं पिंक दे देते हैं, फिर पिंक हो गया। अभी मैशिंग राइट, अभी मैश करना होगा, इसमें थोड़ा सा दे दिया अभी मैश कर लो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कौन सा, यस इससे बियर राइट, ये हम लोग का डन हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, यस इट्स टाइम फॉर योर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहो। मैंने यहाँ पे दो दिया है, यू कैन मेक इट विथ 3, 4, 5, 6, इट्स अप टू यू राइट, डू इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।